आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज ही विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य ऊर्जा का कम उपयोग करने का निर्णय लेना और उस पर अमल करना है। ऊर्जा संरक्षण ईंधन की खपत कम करने और भविष्य के लिए बचत के उद्देश्य से ऊर्जा संसाधनों का कम उपयोग करने का प्रयास है। इस दिशा में बिजली बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह बात बिजली बचाओ अभियान के सुनील साहू ने कही है। इस अभियान को यूपी के जनपद कौशाम्बी के सुनील साहू व अभियान से जुड़े बलराम साहू, कन्हैया साहू, रोहित साहू, मनोज गुप्ता चला रहे हैं। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। संरक्षण दिवस है हाँ, तो आज आप लोग बिजली बचाओ मुहिम में शामिल हैं। यस सर। तो बिजली क्यों बचाना चाहिए, चलिए बताइए। क्योंकि जो बिजली होती है वो 70% कोयले से बनती है, एनटीपीसी से बनती है। और आपको बता दें कि जो कोयले से बिजली बनाई जाती है इसमें लाखों टन जो होता है प्रदूषित विषैली गैस निकलती है और जो पृथ्वी के वातावरण में जाके मिल जाती है और जिससे पृथ्वी जो हो रही है बंजर हो रही है। और जो एनटीपीसी से बिजली बनाई जाती है जिसमें फ्लाई ऐश निकलती है जो उसको बंजर बना दी। आज 50,000 एकड़ भूमि जो कि बंजर हो गई है। तो अगर 50,000 एकड़ भूमि बंजर हो गई तो वहाँ पर कृषि कैसे होगी। तो बिजली बचाना ज़रूरी है। yes, तो आप लोग बचाते हैं कि नहीं बिजली? yes, सर। कैसे बचाते हैं? घरों में आवश्यक जल रहे बल्ब को बंद करके और अनावश्यक उपकरणों को बंद करके आस पास में दिनों में चल रहे। तो आप का हाथ में पंपलेट है क्या? yes, सर। देख, ये आपका बिजली बचाओ अभियान yes, का पंपलेट है, इसमें शामिल आप लोग हैं। yes, तो और लोग को भी जागरूक करते हैं? yes, सर। करते हैं। आज विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस है, आप बिजली बचाओ मुहिम चला रहे हैं, तो इस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से बिजली बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। लगातार ये 2 साल हो गए हैं इस अभियान। ये जो अभियान है ऊर्जा संरक्षण के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, आंदोलन है, जन आंदोलन है। ये जन भागीदारी होनी चाहिए विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर। बिजली बचाओ अभियान एक ऐसा ही अभियान है। यह अभियान यह बताता है कि ऊर्जा को संरक्षण करिए। कहते हैं सेव एनर्जी सेव अर्थ। जब एनर्जी को हम संरक्षित करेगी तो हमारी पृथ्वी भी संरक्षित हो। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। देखिए, बिजली बचाओ अभियान में यह बताया जाता है कि बिजली की आप बचत करिए। हमारे देश में लगभग 70% जो बिजली है वो एनटीपीसी में कोयले से बनाई जाती है। जब हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो बहुत प्रदूषण होता है, जल की काफी मात्रा लगती है। जब कोयले से बिजली बनाई जाती है तो जो वायु निकलती है विषैली गैसें निकलती है, लाखों टन विषैली गैस निकलकर पर्यावरण में मिल जाती है। और जो इसकी राख निकलती है जिसे हम लोग फ्लाई ऐश बोलते हैं, ये फ्लाई ऐश धरती को बंजर बना रही है। यदि हम अपनी जो बर्बाद कर रहे हैं, फालतू बिजली बर्बाद हो रही है, दिन में देखते हैं गांवों में कस्बों में घर के बाहर जो बल्ब होते हैं वो जल रहे होते हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं जल रही होती है। तो यदि हम इन जो खराब जा रही बिजली इनका संरक्षण कर दें तो ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। तो जो कोयला हम जलाते हैं उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। जैसे पूरे देश में एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 पावर प्लांट की आवश्यकता है। यदि हम बिजली का जो बर्बाद जा रही है उसको हम थोड़ा सा कम कर दें तो 8 पावर प्लांट में काम चल जाएगा। तो यहां पर कोयले की भी जो खपत हो रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है। आने वाले वैज्ञानिकों का अनुमान है 2-2.5 साल में ये कोयला खत्म हो जाएगा। जब कोयला खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में एनर्जी कैसे होगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बिजली बचाना बहुत जरूरी है। बिजली बचाना बनाने के समान है। आपको बता दें कि जो ये मुहिम है, इस मुहिम में
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर इसमें है, शामिल है। उन्होंने कहा भी था कि जो भी इस मुहिम में आवश्यकता पड़ेगी आपको मुहैया कराई जाएगी।